Hello everyone, assalamu alaikum, welcome, khush aamadeed, jiyanu and pakhair raagle to all my very beautiful listeners out there who are listening in. जी जनाब, और आप लोगों के मैसेजेस हमें बता रहे हैं कि शो जो है आप किस हद तक पसंद कर रहे हैं, करियर क्राफ्टर द अनप्लग पाथ, और ये स्टार्ट ही इसीलिए किया गया था ताकि आप लोगों के प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम हल कर सकें, अगर मुकम्मल तौर पर ना सही तो थोड़े से ही सही. तो ये नई सुबह रेडियो की एक खूबसूरत सी काविश है और आई होप हम लोग उसमें काफी हद तक कामयाब हैं, क्योंकि आपके मैसेजेस बता रहे हैं कि आपके काफी सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके आपको जवाब यहाँ से मिल रहे हैं, और मेरे ख्याल से ये हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन आपके साथ के बगैर ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था. तो विदाउट फर्दर डू हम लोग अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और एक और खूबसूरत सा चैप्टर हम ऐड करते हैं अपने करियर क्राफ्टर द अनप्लग पाथ के इस जर्नी में. और आज जिस हवाले से हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही अहम 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 तरीन, अगर मैं उसे कहूँ तो भेजा ना होगा, और वो है मेडिकल साइंस, मेडिकल मेडिसिन और BDS, नर्सिंग, ये जितने भी आप नाम सुनते हैं ये मेडिकल से जो है रिलेटेड हैं, और हम आज इसी हवाले से डिस्कस करना चाह रहे हैं. और डॉक्टर्स को मसीहा कहा जाता है, डॉक्टर्स को जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब बस अल्लाह के बाद आपका आसरा है डॉक्टर साहब, तो आप सोच सकते हैं कि डॉक्टर को लोग कहाँ और किस हद तक ऊंचे दर्जे पर फाइल्स कर देते हैं, क्योंकि वो हमें ठीक करते हैं. तो आज हम डिस्कस यही करने वाले हैं कि मेडिकल की जो फील्ड है उसमें स्टूडेंट जो है किस तरह से जा सकते हैं, जो जाना चाहते हैं उन्हें किस तरह की तैयारियां करनी चाहिए, एमकेट की तैयारी जो है वो किस तरह से कहां से कर सकते हैं, एमकेट यानी कि उन लोगों के लिए जो अगर अभी फेमिलर नहीं है इस टर्म से या साइंस से उनका किसी तरह का ताल्लुक नहीं है. मैं बताती चलूं कि एक एंट्री टेस्ट होता है जिसे एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहा जाता है, एमकेट, MCAT कैपिटल एक्रोनम है ये, मेडिकल कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट. जी जनाब, आपका इंटर प्री मेडिकल से अगर आपने कंप्लीट किया है या फिर अगर आपने ए लेवल्स किया है विद साइंस सब्जेक्ट्स, तो आप फिर अहल होते हैं इस एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए. और इसमें जो आपकी मार्किंग होती है वो इस तरह से होती है, अच्छा कुछ कॉलेजेस ने थोड़ा सा क्राइटेरिया अपना चेंज किया हुआ होता है, तो जनरली जो इनकी यूजुअली डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ. आपका इंटरमीडिएट, आपका मैट्रिक और आपका एंट्री टेस्ट, इन तीनों के मार्क्स मिला के 100% मार्क्स बनते हैं, और 100% में से फिर आपकी 80%+ होती है तो फिर आपको एडमिशन मिलता है. और या फिर जो स्टूडेंट्स हैं वहां का क्या उस वक्त का रेट है, अकॉर्डिंग टू दैट आप लोगों की सिलेक्शन होती है, ठीक है. और कुछ कॉलेजेस जो है वो हाफिज कुरान है, 10% जो मार्क्स है, यानी 10 मार्क्स, यानी 10% नहीं 10 मार्क्स, वो उनके भी एक्स्ट्रा एड कर देते हैं, लेकिन ये हर कोई नहीं देता, तो जो लोग देते हैं वो उनके फॉर्म पे वो चीज मेंशन होती है. तो जो लोग हाफिज कुरान है उनके लिए एज रिलैक्सेशन भी होती है, कुछ कॉलेज एज को भी बहुत ज्यादा देखते हैं, तो ये दोनों चीजें उनके लिए बेनिफिशियल होती हैं. तो अगर आप हाफिज कुरान हैं, आप एमकेट की तरफ जा रहे हैं, तो भाई दिस इज फॉर यू. यहाँ पर अगर आप 19-20 कहीं होता है तो आपको आपके इस कुरान पाक की तालीम की वजह से आपको रख लिया जाता है. All right, listener. So this is I, me, and myself, Kuratulan Abbasi, with this program, which is the Career Crafter, the Unplugged Path. और आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो पर मुझे, और वीक में एक बार हमारा प्रोग्राम आता है जिसे आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, आपके मैसेजेस हमें बताते हैं, और मैसेजेस करने का तरीका आपको पता है, अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ. 0330860072 इज द नंबर वेयर यू कैन ड्रॉप योर फीडबैक वॉइस नोट की फॉर्म में या फिर टेक्स्ट फॉर्मेट में, जैसे आपको कन्वीनियंट हो आप कर सकते हैं. और फेसबुक किसके पास नहीं है जनाब, 2004 में जब आया था ना किसी को पता भी नहीं था कि एक जमाने में हर फोन में कुछ और हो या ना हो, व्हाट्सएप और फेसबुक तो होगा ही होगा, लोग इंस्टा यूज करें या ना करें, और ट्विटर जो कि अब एक्स हो गया है, पता नहीं इसको नाम एक्स क्यों रखा है सीरियसली, लेकिन खैर लोग फेसबुक जरूर यूज करते हैं, तो बिल्कुल हम भी फेसबुक पर मौजूद है ताकि आपको हम तक पहुंचने में किसी भी तरह की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े. www.facebook.com/naisubahinstitute, बिल्कुल जस्ट क्लिक करेंगे और आप पहुंच जाएंगे हम तक. वहां पर आप कमेंट्स कर सकते हैं, बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, या आप किसी तरह का और करियर या कोई फील्ड या फैकल्टी आप जिसके बारे में जानना चाहते हैं या आपको लगता है कि इसके बारे में लोगों को पता चलना चाहिए, आप हमसे अपनी जो है वो बात शेयर कर सकते हैं और हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं सिर्फ आपके लिए, क्योंकि नई सुबह वेब रेडियो का पर्पज ही यूथ को एम्पावर करना है और करियर क्राफ्टर द अनप्लग पाथ जो है उसका एक जीता जागता सबूत है, और आप लोग हमें सुन रहे हैं ये हमारे इस प्रोग्राम की कामयाबी की बहुत बड़ी दलील है. तो हम बात कर रहे थे मेडिकल से रिलेटेड, तो आज भी हमारी जो गेस्ट हैं, जी बिल्कुल, वो
फीमेल है हमारी, मैंने कह दिया है, डॉक्टर है, डॉक्टर के पेशे से मुंसलिक है और काफी एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल इस फील्ड में है, तो वो आज हमें क्लियर करने वाली है हमारे वो क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के माइंड में होते हैं, ठीक है, मेरे भी माइंड में होते हैं क्योंकि मैं खुद कहीं ना कहीं मेडिकल फील्ड से रिलेटेड रही हूँ, नहीं बल्कि रहने की कोशिश की थी, हो नहीं पाई, मैंने अपना इंटरप्री मेडिकल से किया, देन मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है वो विद साइंस सब्जेक्ट्स किया है, लेकिन एमबीबीएस में अनफॉर्चुनेटली फॉर सम सर्टेन रीजंस नहीं कर सकी। तो मैं जब भी किसी ऐसी शख्सियत से मिलती हूँ जिनका ताल्लुक इस मेडिकल फील्ड से होता है, तो मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करती हूँ उन लोगों के साथ, कहीं ना कहीं शायद कहते हैं ना, वो कमी जो आपकी लाइफ में रह जाए वो आप फिर उसे इस तरह से पूरी करते हैं, उन लोगों से मुलाकात करके, उनसे बात करके, या फिर लोगों को मशवरा देके, मैं भी कुछ इसी तरह से करती हूँ। और राइट, यहाँ पर हम फीडबैक की जब बात कर रहे थे तो मैं आपको बता दूं, जो आज का हम अपना ये शो कर रहे हैं मेडिकल से रिलेटेड और मेडिकल फील्ड में जो लोग जाना चाहते हैं उनके हवाले से, तो ये हमारी एक लिसनर थी बहुत ही प्यारी, मुझे ये तो याद नहीं है सबको कहाँ से थी, शायद उन्होंने नहीं बताया, लेकिन इकरा सुल्तान जी, उन्होंने मैसेज किया था कि वो इस वक्त जो है प्री मेडिकल फाइनल के एग्जाम्स दे चुकी हैं और वो एंट्री टेस्ट देना चाहती हैं, लेकिन उन्हें ना सही से समझ नहीं आ रहा कि कौन सा कॉलेज और किस तरह से उनकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, तो उनकी वजह से जो है हमने ये जो अपना शो लाइन अप किया है। तो इकरा, दिस इज फॉर यू, और यकीन माने कि आप किसी और को भी बहुत अच्छे से गाइड कर सकेंगे आफ्टर दिस शो, ट्रस्ट मी। अगर यकीन ना आए तो सुनकर देख लीजिए, आजमाइश पर हाल शर्त है। तो बातें हम लोगों ने बहुत सारी कर ली हैं और आप लोगों को ये भी बता दिया कि आप लोग हमसे किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो खैर, इसके अलावा हम बात कर रहे थे कुछ फीडबैक की, तो ये शो तो मैंने जिस वजह से किया वो आप लोगों को बताया, लेकिन एक इंटरेस्टिंग मुझे एक और कॉमेंट था जो मुझे यहाँ शेयर करना जरूरी था, कि हम आईटी से रिलेटेड हमारा शो आप लोग सुन चुके हैं, लेकिन किसी एक शायद जो हमारे लिसनर है उनसे वो मिस हो गया, और उन्होंने मुझे ये कहा कि मुझे लगता है आईटी पर भी शो करना चाहिए। तो वो जो लिसनर थे हमारे, वो एक पेशावर के किसी जगह से थे, काफी वो मुश्किल नाम था, मुझे नाम याद नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आप आईटी से रिलेटेड शो करें क्योंकि आईटी में हमारा मुल्क जो है काफी पीछे है। तो मैं बताना चाहूँ उन लोगों के लिए कि हम आईटी से रिलेटेड शो कर चुके हैं, नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट हमारा चैनल मौजूद है, आपको हमारी ये सारी जो सीरीज है जो आप यहाँ पर हमारे चैप्टर्स डिफरेंट देख रहे होते हैं हमारे करियर क्राफ्टर्स अनप्लग्ड पाथ के, वो आपको वहां पर सुनने को मिल जाएंगे जी। तो बताएं, मजा हो गया ना, एक से भले दो, यूट्यूब पर भी आप सुन सकते हैं और वहां आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और जब दिल चाहे सुन सकते हैं, और अगर किसी के साथ शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि इल्म बांटने से जो है बढ़ता है, कभी कम नहीं होता, और यही हमारा भी मकसद है कि हम आपका इल्म जो है बढ़ाएं जितना हो सके, ठीक है। तो और ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि अगर आप कहीं और जाके कंसल्टेंसी लेते हैं ना तो आपको लग पता जाएगा। तो नई सुबह आपको ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है, प्रोफेशनल्स जो रियल लाइफ में वो काम कर रहे हैं वो लोग आकर आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हैं और ये बताते हैं कि बच्चों इतना आसान नहीं है सिर्फ सुन के क्या डॉक्टर बनना, भाई स्वैग है, डिग्री मिल गई है, तो ये कितना मुश्किल हो सकता है आज के इस शो में आपको बिल्कुल पता चलेगा, आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा। और अब जो है मैं बुला लेती हूँ, बल्कि वो आ चुकी हैं, शी इज सिटिंग राइट नाउ हियर। तो अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग हियर इन आवर स्टूडियोज डॉक्टर साहिबा, आई एम वेरी हैप्पी टू हैव यू हियर, क्योंकि मेडिकल से मुझे बहुत ही ज्यादा एक लगाव और अट्रैक्शन है, सो आई वांट टू वेलकम। और डॉक्टर साहिबा, आप सबसे पहले तो हमारे लिसनर्स को ये बताइए कि आपका मेडिकल फील्ड में जो है आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने क्या किया है और इस वक्त आप क्या कर रही हैं, और मतलब किस तरह से आप जो है लोगों को सर्व कर रही हैं। वालेकुम अस्सलाम एनी, कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस शो। और आपने जैसा कि मुझसे पूछा कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, तो मैं माशाल्लाह से एमबीबीएस कर चुकी हूँ और उसके बाद स्पेशलाइजेशन भी की है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह एज अ कंसल्टेंट प्राइमरी फिजिशियन मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भी काम कर रही हूँ, और साथ साथ जो है मैं ऑनलाइन ऑलोडॉक के थ्रू भी पेशेंट कंसल्टेशंस लेती हूँ, और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके साथ साथ मैं काफ़ी हेल्थ अवेयरनेस के तरफ भी मेरे बहुत सी एक्टिविटीज़ रहती हैं, जिसमें कभी कभार मैं टीवी प्रोग्राम्स, टॉक शोज़ में, उसके बाद सेमिनार्स में, और इस तरीके से हम अवेयरनेस कैंप्स भी करते हैं और डॉक्टर्स को भी मज़ीद ट्रेन कर रहे होते हैं ताकि वो बेहतर से बेहतर अपनी खिदमात पेशेंट्स को फराहम कर सके।
और राइट डॉक्टर साहबा, ये तो बहुत ही एक अमेजिंग जो आपने बात बताई कि आप अभी कंसल्टेंसी के साथ साथ लोगों को जो अवेयरनेस देती है ना, ये बहुत ज्यादा मुझे लगता है जरूरी होता है। और जब डॉक्टर कोई बताता है ना, तो लोग ज्यादा अच्छे से सुनते हैं, बजाय इसके कि कोई आम बंदा अगर उनको सही बात भी बता रहा है ना, तो शायद इतना ज्यादा उस बात का इम्पैक्ट नहीं होता है। अच्छा डॉक्टर साहबा, मुझे ये बताइए कि आपने MBBS को ही मतलब एज अ फील्ड, एज एजुकेशन, इसमें आपने कैसे मतलब क्यों सोचा कि मुझे MBBS ही करना है? क्या आपकी फैमिली में कोई ऐसा था, या फिर आपने मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जाके इसे अपना करियर बनाया है? जरा प्लीज इस बारे में हमारे लिसनर्स को थोड़ा बताइए। ये बहुत आपका बहुत अच्छा सवाल है कि मैंने इसी को क्यों सेलेक्ट किया। असल में वाकई ये जो MBBS की फील्ड है ना, ये बहुत ऐसी फील्ड है कि इसमें हर कोई नहीं आ सकता, कि जिसका दिल चाहा वो आ गया। तो मुझे शौक भी था, फिर मेरे बैकग्राउंड में मेरी फैमिली में काफ़ी जो है मेडिसिनल बैकग्राउंड के लोग भी थे। मेरी मदर का खुद डिप्लोमा था लेडी हेल्थ विजिटर का भी, और उन्होंने फिर आगे जो है ना मेडिसिन का कोर्सेज भी किए थे। और उसके बाद मेरी फैमिली में प्रॉपर MBBS डॉक्टर्स, ऑर्थोपेडिक्स और इस तरह के लोग भी काफ़ी थे। और अब अल्हम्दुलिल्लाह उनको देखा देखी मुझे शौक भी हुआ, फिर मेरी अपनी ख्वाहिश भी थी कि मैं इंसानियत की खिदमत करूँ, क्योंकि मैं सबको देखते आई थी कि कोई कुछ ना कुछ कर ही रहा होता था लोगों के लिए। तो मेरी अपनी ख्वाहिश और फिर मेहनत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इस काबिल किया कि मैंने MBBS कर लिया है। तो यही सारा बैकग्राउंड था मेरे, और कोई और खास जो है इसके अलावा किसी का कोई प्रेशर नहीं था मुझ पे, क्योंकि प्रेशर के साथ ये डिग्रीज हो भी नहीं सकती हैं। ऑल राइट डॉक्टर महवेश, बिल्कुल आपने बात सही कही कि ये डिग्रीज प्रेशर के साथ हो भी नहीं सकती हैं। आपको मेंटली पीसफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर MBBS और इस तरह की कोई भी डिग्री जिसमें आपका पूरा जो है फोकस एक चीज के ऊपर होता है, होना भी चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और एक और क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आ रहा है, अक्सर जब हम किसी चीज में एडमिशन लेते हैं तो देखते हैं ना कि इसका स्कोप है। पेरेंट्स कहते हैं फला चीज में चले जाओ, स्कोप है, ये कर लो, इसका स्कोप है। अच्छा डॉक्टर्स का कुछ प्रोफेशन ऐसा है कि हमेशा से लड़कियों के लिए बड़ा मोहतबर समझा जाता है कि हाँ डॉक्टर बन जाएगी, हमारी बेटी डॉक्टर बनेगी। तो मैं जानना ये चाहती हूँ कि जब आपने एडमिशन लिया था उस वक्त आपने क्या स्कोप इसका देखा था, और उस वक्त जो इसका स्कोप था एट दैट टाइम, क्या आज वो स्कोप आपको नजर आता है, या उसमें कोई चेंजिंग है, क्या ज्यादा हो गया है, कम हुआ है? तो काइंडली जरा इसे एक्सप्लेन करें कि उस तब में और अब में क्या डिफरेंस अकॉर्डिंग टू यू। अच्छा, ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, मजीद मैं इस पे बहुत कुछ कहना चाहूंगी। बिकॉज जब मैंने उस फील्ड में आई, तो मुझे अब से समझे कि 10 से 12 साल पहले का आप टाइम ले लीजिए, तो उस टाइम में ये था कि इस फील्ड में इतनी सेचुरेशन नहीं थी, और लोगों को आगाही तो बहुत अच्छे तरीके से इस फील्ड की थी, और इसमें फीमेल्स भी आती थी, मेल्स भी आते थे, और सब कर रहे थे, और बड़े अच्छे स्मूथली ये ना एक प्रोफेशन के तौर पे चल रहा था। लेकिन अगर हम 10 साल बाद यानी कि अब का ये हालात देखें यहाँ पे, तो अब इस फील्ड में माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा तरक्की भी हुई है, बहुत कंपटीशन भी बढ़ गया है, न्यू न्यू सब स्पेशलिटीज निकल के आई हैं, और समझे कि अवेयरनेस भी फैली है। और ऑल अराउंड द ग्लोब अगर मैं बात करूँ कि पूरी दुनिया के अंदर मल्टीपल कंट्रीज में ने बड़ा प्रोग्रेस किया है, तो ओवरऑल जो हेल्थ का एक फील्ड है, MBBS तो एक वन पार्ट ऑफ द हेल्थ फील्ड है, तो वो हेल्थ केयर फील्ड बहुत ज्यादा फ्लरिश की है, बहुत ज्यादा फैलाव आया है, और कामयाब भी हो रही है, और तरक्की की तरफ भी गामजन है। ठीक हो गया डॉक्टर साहबा, थैंक यू, आपने काफी डिटेल में हमें इसका जवाब दिया। हमारे लिसनर्स यकीनन काफी हद तक मुतमईन हो गए होंगे इस चीज को लेकर कि राइट नाउ क्या चल रहा है मेडिकल की फील्ड में। तो डॉक्टर साहबा, यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है कि अक्सर लोग MBBS करते हैं और उसके बाद जो है वो फर्दर मजीद कोई और स्पेशलाइजेशन नहीं करते, और उसी के साथ वो ना यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, और फिर कहते हैं डॉक्टरी का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। और या फिर किसी भी गली मोहल्ले में आपको छोटे छोटे क्लिनिक्स के फॉर्म में वो नजर आ जाए कि जी MBBS डॉक्टर हैं, और मतलब कुछ ऐसा है जो मतलब समझ नहीं आता ना, फिर इस तरह के डॉक्टर्स के पास लोग जाकर अपनी जानों को गवा देते हैं। तो आप बताइए कि स्पेशलाइजेशन किस हद तक जरूरी है? अच्छा, MBBS करने के बाद आपके पास बहुत बड़ा एक गेटवे ओपन हो जाता है, जिसमें आप MBBS के बाद हेल्थ केयर के, अगर मैं उसमें जाऊँ तो आप इंश्योरेंस में जा सकते हैं, आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जा सकते हैं, आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, आप आगे जाके डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव जगह पे जाके टीचिंग कर सकते हैं। लेकिन यह है कि सिर्फ कहते हैं ना कि MBBS एक बेस लाइन स्ट्रक्चर और कुशन है, जिसके ऊपर आपको जंप करना है, और आगे किक इन करने के लिए और आगे से आगे बढ़ने के लिए
आपको कुछ ना कुछ देखें चीजें करनी पड़ेंगी। इसमें आप मिसाल एक सिंपल खाने की भी ले सकते हैं कि आप एक सिंपल खाना बना के रख देंगे तो वो इतनी देर तक नहीं चल पाएगा, आपको कुछ ना कुछ उसके टेस्ट को इन्हांस करना पड़ता है, कुछ मसाले डालने पड़ते हैं कि उनका टेस्ट बेहतर हो और वो मजीद इम्प्रोवाइज हो। तो MBBS इस के लिहाज से अगर आप ये समझे कि आप सिर्फ MBBS कर लेंगे और आपको सब कुछ आगे आप इजीली कर सकते हैं तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, मेडिकल कॉलेजेस बहुत खुल गए हैं, तो लातादार डॉक्टर्स निकल रहे हैं। तो अपने आप को मनवाने के लिए और दूसरों से थोड़ा अलग करने के लिए आपको कुछ ना कुछ उसके ऊपर स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी। अगर आप फार्मा की तरफ जाना चाहते हैं तो आप MBA कर सकते हैं, इसी तरह आप मास्टर्स कर सकते हैं किसी फील्ड में, आप PhD की तरफ जा सकते हैं, रिसर्च की तरफ जा सकते हैं, और उसके अलावा अगर आप सिर्फ मेडिकल के मेन शोबे में रहना चाहते हैं तो आगे हमारे पास 10 से 12 स्पेशलिटीज हैं, कार्डियो है, नेफ्रो है, सर्जरी है, गायनी है, लातादाद है, आपका जिस चीज में इंटरेस्ट बनता है आप उसकी आगे रेजिडेंसी, 5 साल की ट्रेनिंग और मजीद से मजीद चीजें करके अपना नाम बना सकते हैं और आगे से आगे फ्लरिश कर सकते हैं। डॉक्टर महवेश, थैंक यू, आपने काफ़ी डिटेल में ये भी चीज़ बताई है और ये मतलब इतना वास्ट हो सकता है, मुझे भी आइडिया नहीं था, सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। और लिसनर्स के उन लोगों के लिए, बल्कि लिसनर्स के साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं अभी और जो अभी एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो एक MCAT लोगों ने एक बना दिया और उसकी लोग तैयारी करवा रहे होते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में ना, तो मतलब क्या ये जरूरी है कि जब हम एंट्री टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे कहते हैं, उसकी तैयारी करें तो हम किसी स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर फेमस इदारे में जाएं और वहां जाकर हम 20-20, 50-50 हज़ार रुपए की फीसेस भरें और MCAT की प्रिपरेशन करें, या हम घर पर भी इसकी तैयारी कर सकते हैं? आप इसमें क्या रिकमेंड करती हैं कि MCAT और ये तैयारी और एप्टीट्यूड एंट्री टेस्ट, इसको किस तरह से आप लेती हैं और किस तरह से आप इसे हमारे लिसनर्स को बताएंगी कि क्या करना चाहिए? क्योंकि गाइडेंस तो बेइंतहा जरूरी है, ये तो मैं समझती हूँ, तो वो गाइडेंस आप किस तरह से ले सकते हैं, क्या जरूरी है वहां जाना, तो आप इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए हमारे लिसनर्स के लिए डॉक्टर साहिबा। अच्छा, ये आजकल का बहुत बड़ा एक जो है ना इशू बना है कि ये जो जब से MCAT स्टार्ट कर लिया गया है तो बच्चों के लिए जरा परेशानी हो रही है। एक्चुअली देखिए, जब भी आप किसी चीज के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो आपको गाइडलाइन चाहिए, जरूरी चाहिए, लेकिन इसमें ये जरूरी नहीं है कि आप वो किसी जगह पे दाखिला लेंगे और वहां से पढ़ेंगे तो ही आप क्लियर होंगे, ऐसा कोई भी गारंटी नहीं ले सकता है, ठीक है ना। तो इसमें ये है कि अगर आपके सराउंड में कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली वो वाला टेस्ट दिया हुआ है तो वो आपको ज्यादा बेहतर गाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप अपना खुद पढ़ने के लिए जो है ना एक रूटीन बना लें, और देखें जब भी किसी भी एग्जाम की तैयारी होती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई उस एग्जाम में आपसे पूछा क्या जाएगा और आपको क्या उसके लिए स्टडी करना है, जो आपको आपके अपकमिंग जो आपसे सीनियर लोग हैं जो कि डॉक्टरी के लिए एंटर हो चुके हैं यूनिवर्सिटीज में, वो आपको गाइड कर देंगे, क्योंकि ये शुरू ही अभी 5-6 साल से इन्होंने किया है MCAT, ठीक है। अगर उनके गाइडेंस के बाद भी आपको बहुत मसला हो रहा है और लग रहा है कि भाई नहीं बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो फिर आप किसी भी गाइडेंस के लिए जो आजकल के कोचिंग सेंटर्स हैं और लोगों को पता होता है कि भाई ये वाले बहुत मशहूर कोचिंग सेंटर्स हैं, यहाँ के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो आप वहां से थोड़ी बहुत लास्ट जैसे उनके ना क्रैश कोर्सेस टाइप का कुछ ले लीजिए, वो भी आपके अपने एनालिसिस पे है। मैं ये नहीं कहूंगी कि देखिए 100% बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और मैं ये भी 100% नहीं इस वक्त कह सकती कि भाई आप यही लेंगे तो आपको जो है ना वहां पे जो है आप क्लियर हो सकते हैं। ये हर बच्चे के लिहाज से डिफरेंट है और हर बच्चा अपने आप को बहुत अच्छा जज कर सकता है। अगर उसके सराउंडिंग्स में अच्छी गाइडेंस है तो वो खुद भी समझे कि 10 घंटे से 12 घंटे के अगर दिन में वो डेली पढ़ लेगा तो क्यों नहीं वो उसमें कामयाब होगा। लेकिन अगर उसको लगता है कि हाँ मेरे कुछ सोर्सेज और वीकनेस है इस साइड पे कि मैं MCQs इजीली नहीं कर पाऊंगा या मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो फिर उसको एक गाइडेंस चाहिए होगी। वो टेलर्ड गाइडेंस या तो फिर जाहिर है कोई इंस्टीट्यूशंस दे सकते हैं या कुछ वो लोग दे सकते हैं जिन्होंने ये टेस्ट अभी रिसेंटली क्लियर किया हो। तो इसी तरीके से हर स्टूडेंट को वो प्रोग्रेस करना पड़ेगा। और जाहिर है आप जब भी किसी काम के लिए बाहर निकलते हैं, आप जैसे दुकान पे कपड़ा खरीदने भी जाएंगे तो आसपास की दुकानों से प्राइसिंग और हर चीज क्वालिटी चेक करते हैं। तो आपको किसी कोचिंग का या किसी इंस्टीट्यूशन का अगर कुछ कहा जा रहा है तो आप जरूर उसके बारे में अपनी इंफॉर्मेशन जमा करें और फिर फैसला करें, क्योंकि फैसला आपका है, मेहनत आपकी है, फ्यूचर आपका है, पैसा आपका है। ऑलराइट डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो वेरी मच।
और बातें तो बहुत सारी हैं डॉक्टर साहब, लेकिन फिर भी वक्त की कमी के बायस मैं कोशिश कर रही हूँ कि ऐसे सवालात करूं जो लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्लियर कर सके। तो मेरा यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि एंट्री टेस्ट के बाद का जो प्रोसीजर है, यानी कि किसी ना किसी आपका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन, तो आप बींग अ डॉक्टर कौन से ऐसे इदारे हैं जिनको आप लोगों को सजेस्ट करना चाहेंगे कि यहाँ पर आप जा सकते हैं, जैसे कि जो सरकारी इदारे हैं और जो प्राइवेट इदारे हैं जो बहुत अच्छी मेडिसिन की तालीम दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू यू, वो कौन कौन से हैं? और स्टूडेंट्स को सिर्फ अगर वो जैसे एमकैट में अप्लाई कर रहे हैं या सॉरी मेडिकल एमबीबीएस के लिए कर रहे हैं, तो साथ में बीडीएस का भी ऑप्शन होता है, आप दूसरी तरफ भी स्विच कर सकते हैं, तो आप उन स्टूडेंट्स को क्या कहेंगे कि एक तरफ स्टक हो जाना चाहिए या जितनी अपॉर्चुनिटीज लाइफ में मिल रही हैं उनको अवेल करना चाहिए? मैं तो बस एक ही बात कहती हूँ कि भाई जस्ट ग्रैब योर अपॉर्चुनिटी, जब मिले जहां मिले आपको अपॉर्चुनिटी ले लेनी चाहिए, क्योंकि क्या पता कल वक्त आपके साथ होना हो। तो प्लीज डॉक्टर साहब इस सवाल को जरा आप एलेबरेट कर दें कि स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। अच्छा, ये जो है ना बहुत अच्छा है कि आप देखें, जब भी किसी फील्ड की एंट्री के लिए आप वहाँ पे एंटर हो रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है आप उसमें ज़रूर अप्लाई कीजिए। क्योंकि देखिए, कुछ पता नहीं होता, बहुत मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप जिस जगह पे चाह रहे हो आपका वहाँ पे एडमिशन हो जाए और आपके पास फिर बाद में कोई ऑप्शन ना बचे। तो आपने देना तकरीबन हर जगह का एंट्री टेस्ट होता है, स्पेशली गवर्नमेंट का तो देखें सब देंगे, आप लोगों ने ज़रूर देना है, वो आपका एमकैट के थ्रू हो जाती है चीज़ें। और उसके बाद जो अगर हम प्राइवेट की तरफ जाएँ तो ठीक है, फाइनेंशियली ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा बर्डन आ जाता है, लेकिन उसमें से भी कुछ इदारे हैं जो कि बहुत अच्छी स्टडीज़ करवा रहे हैं और जिसमें आपके पास आगा खान है, लियाकत नेशनल है, और उसके बाद आपके पास सैयद और हमदर्द के में, हमदर्द मेडिकल कॉलेज में काफ़ी अच्छी स्टडी करवाई जाती है। और फिर आप जो न्यू आप हमारे हैं उनकी जो हम एजुकेशन लेवल देखें तो उसमें रुतफाओ मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छा जो है माशाल्लाह से जा रहा है, और वहाँ पर बड़ी इंटरनेशनल लेवल की कोलैबोरेशन के साथ स्टडीज करवाई जा रही हैं। देन मेरा अपना इंस्टीट्यूशन बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत पुराना अरसे दराज से लोगों की खिदमत करते आ रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल पे जाके पढ़ाया जाता है, तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं प्राइवेट में भी। और गवर्नमेंट में तो जाहिर है पूरा एक ग्रुप में होता है, तो उसमें आपके पास डॉ, एसएमसी और मल्टीपल और केएमडीसी, कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज जो है वो आ जाता है। तो ये आप सेमी प्राइवेट में, और फिर अब्बासी शरीफ के साथ लिंक में भी है, तो ये सारे आप जो हैं ज़रूर इन सब के टेस्ट दीजिए, और जब आपके पास रिजल्ट आए तो फिर अपनी जो है आसानी के मुताबिक आप जिस जगह में एंट्री कर सकें आप ज़रूर करें। क्योंकि देखिए, मेहनत आपकी है लेकिन आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का मिलना भी बहुत ज़रूरी है, तो वो उसी टाइम होगा पॉसिबल जब आप सारे चांसेस अवेल करके और फिर रिजल्ट का इंतज़ार करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर ना मेरे जहन में एक क्वेश्चन था कि डॉक्टर का एक ऐसा प्रोफेशन होता है जिसमें कहते हैं कि इसमें पैशन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो इसमें तो स्कोप से ज्यादा मुझे लगता है पैशन को देखना चाहिए। तो डॉक्टर साहब आप क्या रेकमेंड करती हैं कि पैशन किस हद तक इम्पोर्टेंट है, और आप इस चीज को आगे किस तरह से देखती हैं? और डॉक्टर साहब कौन से ऐसे लोग हैं जो मतलब डॉक्टर बनना तो चाहते हैं लेकिन आप उन्हें सजेस्ट करेंगी कि नहीं, आप लोग इस फील्ड के लिए नहीं हैं, अगर पैशन नहीं है तो, इसके बारे में भी इसमें थोड़ा सा ऐड कर दीजिएगा। ये तो आपका रूह रवा क्वेश्चन है और इसका जवाब देना मैं बहुत शौक से मैं देना चाहूंगी, और उसमें ये है कि देखिए 100% आपका पैशन होना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये फील्ड वैसी फील्ड है ही नहीं कि आपने बस पढ़ा, आप जाके एक जॉब पे लग गए और आपकी एक सैलरी आना शुरू हो गई और आपने बस उसी में आगे उसी फील्ड में आपने बस चलते ही जानी है आपकी गाड़ी। MBBS जो है उसके अंदर आपको अपना दिमाग, अपना पूरा जिस्मानी थकावट अलग होती है, जहनी थकावट आपकी अलग होती है इसमें, और आपको 100% अपना शौक होगा तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा और आप इसको कर सकते हैं। और पैशन इसमें इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पे आ जाता है जिंदगी और मौत का जो है ना डिसीजन, लाइफ एंड डेथ का इशू है यहाँ पे, आप एक इंसानी जान के लिए जो है ना सब चीज़ें कर रहे होते हैं, तो ये कोई मजाक नहीं है और इसको आप नॉन सीरियस तो ले ही नहीं सकते। तो जब तक आपका 100% जो कहते हैं ना कि इंटरेस्ट होगा और आप हर मुश्किल चीज़ को फेस कर सकते हैं, ठीक है, आपके अंदर इतना करेज है कि आप डेड बॉडीज पे स्टडी कर सकते हैं जैसे कि शुरू में करवाई जाती हैं, और आप जो है लगातार 12-12 घंटे की स्टडीज करने का आप शौक रखते हैं,
तो तभी आप इस फील्ड में आइए, क्योंकि वो सिर्फ 5-6 साल के MBBS पे खत्म नहीं हो जानी, उसके बाद हाउस जॉब के बाद दोबारा आपकी एक पढ़ाई शुरू होती है जो कि आपको स्पेशलाइजेशन की तरफ लेके जाती है। और डॉक्टर तो बूढ़ा होने तक आखिरी सांस तक वो कुछ ना कुछ पढ़ भी रहा होता है, कुछ ना कुछ एग्जाम्स भी दे रहा होता है। और सबसे बड़ी जो इस पेशे की बात है कि इसमें पैसा एक हद तक आता है, जो ऐसे हम कहें ना कि भाई अर्निंग एक वो होनी जरूरी है, हमें दुनिया में रहना है, दुनिया में रहने के लिए पैसा जरूरी है, वो तो आता ही आता है। लेकिन उससे ज्यादा आप जो इंसानियत की खिदमत करके अपने आगे वाली लाइफ की तैयारी कर रहे होते, ये एक इसमें प्लस पॉइंट है। तो जिसको इन सारी चीजों का पैशन है वही इस फील्ड में आए, और जो समझता है कि भाई नहीं मेरा कुछ प्रेफरेंस दूसरी है, तो बराए मेहरबानी वो मल्टीपल फील्ड्स पड़ी हुई हैं इस दुनिया के अंदर मेजॉरिटी, उसमें आप जाइए और किसी की सीट ना वेस्ट कीजिए कि आप सिर्फ MBBS करके फिर उसके आगे कुछ कर ना पाए और इंसानियत की खिदमत ना कर पाए। तो बेहतर होगा कि इस चीज को आप जरूर अपनी नजर में रखिएगा। जी बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, ऐसा ही है जैसा आप कह रही हैं, मैं इससे इत्तेफाक करती हूँ। और डॉक्टर साहिबा एक और बात कि मरीज और डॉक्टर के दरमियान जो एक रिश्ता होता है, उनकी बॉन्डिंग को आप किस तरह से देखते हैं? और बीइंग अ डॉक्टर, आप आए दिन ऑन डेली बेसिस आप लोग कितनी कैजुअलिटीज देखते हैं, कितने पेशेंट्स आपके पास आते हैं, तो आपका रिलेशन अपने पेशेंट्स के साथ किस तरह से होता है? और जो लोग अभी इस फील्ड में आ रहे हैं या अभी थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में हैं, तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगी कि पेशेंट और डॉक्टर का क्या रिलेशनशिप होता है या होना चाहिए? और एज वेल एज आप एंड में मैसेज दे दीजिएगा उन स्टूडेंट्स को जो इसको अपना करियर बनाना चाहते हैं और इसमें ही अपने आपको एक्सेल करना चाहते हैं। देखिए MBBS करके एक डॉक्टर बन जाना, और डॉक्टरों को लोग जो है वो इंसानियत का कहते हैं ना कि मसीहा के तौर पे देखते हैं, कि कुछ तो हमारे पास मरीज ऐसे भी आते हैं जो कि कहते हैं कि बस डॉक्टर साहिबा नीचे आप हैं और ऊपर हमारा अल्लाह है, और हमने आप पे ही सब जो है ना आप डिपेंड कर रहे हैं, आप हमारा इलाज कर दीजिए या आप हमारी तकलीफ को कम कर दीजिए। ठीक है, कहीं कहीं बहुत ट्रेजिक जो है ना हमें रिजल्ट्स भी बेयर करने पड़ते हैं, कहीं पे डेथ्स हमारे सामने हो रही होती हैं, कहीं पे हमारे पास बहुत अच्छे मरीज सही होके भी वापस आ रहे होते हैं। तो देखें जिंदगी और मौत तो जाहिर है अल्लाह के हाथ में होती है, और हमें जो है ना एक ट्रीटमेंट एक अच्छे तरीके से करना होता है। और कहते हैं कि डॉक्टर का जो ट्रीटमेंट है और जो एक उसका एक जो है ना वे और बिहेवियर होना चाहिए मरीजों के साथ, वो एक एम्पैथिक बिहेवियर होना चाहिए। एम्पैथिक बिहेवियर ये होता है कि आप उसकी जो है ना तकलीफ को थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है, उसके लिए आप अफसोस या वो नहीं करेंगे, आप उसके जगह थोड़ा सा अपने आप को रख के भी फील कर सके। और हमें तो देखें क्योंकि पेशेंट्स देख देख के मैं जितने अपनी प्रैक्टिस में मरीज देखती हूँ, तो मुझे तो पता हो जाता है कि भाई अब ये मरीज इस लेवल का है तो उसके साथ किस हद तक की ये सिवियरिटी है और मुझे किस हद तक उसको अंडरस्टैंड करके चलना है। न्यू आते हुए लोगों को मैं ये कहूँगी कि अपना एम्पैथिक एटीट्यूड आपने ज़रूर रखना है, और साथ आपके अंदर होना चाहिए। आपको देखें जब कोई बहुत पैनिक सिचुएशन होती है तो मरीज जो है वो गुस्सा भी हो सकता है आप पे, ठीक है, और परेशान होके बहुत कुछ गलत भी कह सकता है। आपके अंदर कूल डाउन और काम वाली नेचर आपकी जरूर होनी चाहिए, एब्जॉर्बिंग नेचर होनी चाहिए कि आप उस टाइम पे अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में ला के उनको थोड़ा सा सेट कर सकें। तो काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसी पे ही हम लोगों की फैमिली मेडिसिन तो 70% कहते हैं कि हम काउंसलिंग करेंगे और 30% हमने दवाई देनी होती है। तो हम लोगों का मरीज तो जो है ना काउंसलिंग से ही ठीक हो जाता है, तो असल डॉक्टर ही वही है बेस्ट, हम कहते हैं कि जिसके पास जाकर मरीज बात करके अपना मसला उसको बता के उसकी आधी बीमारी वही ख़त्म हो जाए। और वो जब ही हो सकती है कि जब हम उससे अच्छे तरीके से बात करेंगे, उसकी सुनेंगे और अपनी बात अच्छे तरीके से उसको समझाएंगे, ठीक है। तो ये सारा एटीट्यूड का मामला आ जाता है। फिर जो अब जैसे आप लोग जो न्यू MBBS लोग नए आएंगे पढ़ेंगे और फिर बनेंगे, तो आपको तो अभी बहुत ज्यादा जो है ना सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत स्टडीज मुश्किल होती हैं, दिन रात जाके आपको मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अपनी परसिस्टेंसी यानी कि एक दिन अच्छा पढ़ लिया दूसरे दिन अच्छा नहीं पढ़ा, ये नहीं, आपको एक कंसिस्टेंसी और परसिस्ट होके मेहनत करके इस चीज को अचीव करना है। फिर अपने अंदर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स लानी है, बिकॉज आप लोग एक लोगों के लिए और एक हमारी सोसाइटी में आप लोग रोल मॉडल्स होते हो,
जैसे कि कहते हैं ना कि भाई टॉपर्स जो है ना वो क्रीम होते हैं आपकी सोसाइटी का, तो आपका पेशा भी जो है ना एक क्रीम लेवल का पेशा है, बन जाएगा इंशाल्लाह ताला आगे आके। तो इस हिसाब से आपने अपनी पर्सनैलिटी को भी ग्रूम करना होता है और फिर अपनी एजुकेशन को तो आप जाहिर है पढ़ने से बढ़ा ही रहे होते हो, तो दोनों चीजें इसमें चाहिए होती हैं। और डॉक्टर का रवैया हमेशा एम्पैथिक होना चाहिए, ये अब हमारी सारी जो स्टडीज हैं और रिसर्चेज हैं ये यही कहती हैं। और अब डॉक्टरों का तरीका बदलता भी जा रहा है और मेडिकली हम इसको कहते हैं कि हम अब डॉक्टर सेंटर्ड अप्रोच नहीं रखते हैं, हम अब कंसल्टेंट्स और जनरल फिजिशियंस जो होते हैं वो पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच पे चलते हैं। और ये बातें इंशाल्लाह जब आप बहुत जल्दी मेडिकल कॉलेजेस में जब आप उनके दाखिले हो जाएंगे और आप पढ़ना शुरू करेंगे और जो इन फील्ड से वाबस्ता लोग मुझे सुन रहे होंगे तो उनमें ये जो है ना काफी अच्छे तरीके से उनको समझ आ जाएगी कि ये मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। और आखिर में मैं सब जो एमकैट के लिए मेहनत कर रहे हैं और अब रिसेंटली उनके टेस्ट होंगे भी और फिर जाहिर है उन्होंने आगे उनके बहुत एम्स होंगे, तो मेरे आपसे यही गुजारिश होगी कि बहुत हिम्मत के साथ और अच्छे तरीके से तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन जो है ना अगर खुदा न खास्ता आपकी पसंदीदा जगह पे आपका दाखिला नहीं होता तो आपने हिम्मत नहीं हारनी है, आपके पास नेक्स्ट ईयर का चांस भी होता है और मेजॉरिटी फील्ड्स आगे पीछे बहुत ज़्यादा हैं। इसमें मेडिकल की फील्ड सिर्फ एक MBBS या BDS पर ख़त्म नहीं हो जाती है, उसके सराउंडिंग्स में उसके आसपास की पेरिफेरी एक पूरा सर्कल है और मैं समझती हूँ 50 के करीब आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ गई। नंबर वन तो ये कि ना उम्मीद नहीं होएगा और जितनी मेहनत अभी कर रहे हैं उसी तरह लग के मेहनत करती रहिए, इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर कामयाब होंगे और हम आप लोगों को इसी तरह फलता फूलता आगे देखेंगे। और मेरी तरफ से आप सब लोगों के लिए बहुत ढेरों कामयाबी की दुआएं हैं, इंशाल्लाह अल्लाह आप सबको कामयाब करेगा इंशाल्लाह इसमें। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहबा, आपके इस इतने कीमती वक्त जो आप निकाल कर यहाँ पर आए और हमारे लिसनर्स को आपने बहुत ही कारामत और मुफीद बातें बताई। आई होप वो लोग इस पर अमल करेंगे और एमकैट में कामयाबी जरूर हासिल करेंगे। लिसनर्स, आई होप करियर क्राफ्टर्स अनप्लग्ड बात का ये बाप भी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा और बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा। बातें बहुत ज्यादा है लेकिन वक्त बहुत कम है और टाइम मैनेजमेंट भी कोई चीज है। घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि वक्त हुआ जाता है आप लोगों से इजाजत लेने का। तो जनाब जिंदगी बहुत मुख्तसर है, रंजिशों दावतों में से जाया नहीं करना है, तो अगर आपका कोई अपना नाराज है रूठ गया है तो मना लें, क्या पता कल होना हो। ठीक है, तो इससे पहले कि आपको अफसोस हो आप लोगों ने मना लेना है, सॉरी कर लेना है। सॉरी कह देने से आपकी नाक जो है वो बिल्कुल भी छोटी नहीं होगी। ठीक है, तो इसी अच्छी सी बात के साथ मैं आप लोगों से इजाजत चाहती हूँ। मुझे कहते हैं कुरतुल्लाह अब्बासी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आप लोगों से सेम टाइम सेम प्लेस और सेम चैनल इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अस्ता ला विस्ता।